हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, एग्जाम्स आ रहे हैं और हम सब स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चलो वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम में चाहे कितना भी याद कर लो, एंड मोमेंट पे ना अनप्रिपेयर्ड ही फील होता है। आई विश मुझे एग्जाम्स नहीं देने पड़ते और मैं अपने डैड के साथ मालदीव्स जा सकती। मालदीव्स? मम्मी एक मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकती, बहुत सारा पढ़ना है मम्मी, बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ खाया भी नहीं है तुमने? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। एनर्जी कैसे आएगी पढ़ने की? ये क्या कर रही है, ऐसे थोड़े दिन दिमाग में घुसेगा। ये ले फ्रूट खा। एग्जाम्स के टाइम पे ना जनरली हम खाते ही नहीं है या फिर तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐसे टाइम पे हमें हेल्दी खाना चाहिए, जैसे कि ये फ्रूट्स, और टाइम टू टाइम पानी भी पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी तबीयत खराब ना हो और एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मम्मी ये जूते कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दिला दो। क्या फायदा नए जूते लेने का, चलना तो तुझे गलत रास्ते पे ही है ना। पूरे दिन फोन में लगी रहती है और पढ़ाई लिखाई कौन करेगा तेरी, चल पढ़ती नजर आ। अच्छा ये सब छोड़ो ना मम्मी, एग्जाम्स के बाद मालदीव चले क्या? What? समंदर किनारे पानी ही पानी होगा। हाँ हाँ, जैसे हमारी उम्मीदों पे तूने कम पानी फेर रखा है, जो तुझे और पानी पानी चाहिए। अन्नू तुझे बोला है ना कि तू पढ़ ले, पेपरों का टाइम है, उसके बाद जो करना करती रही हो। मैं क्या करूँ मम्मी, जब भी मैं पढ़ाई करने का ट्राई करती हूँ तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। अरे अन्नू, सबसे पहले ये फोन दूर रख, और अगर तेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, तेरे पापा है, तू उनसे शेयर कर सकती है। और कोई पर्सनल भी तुझे प्रॉब्लम है तो तू अपनी मम्मी को बोल सकती है अन्नू, और तू बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कर आराम से, मैं तेरे लिए खीर बना के लाती हूँ, ठीक है? अगर आप भी एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो और पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हो, तो आप अपने दोस्त, पेरेंट्स या किसी और से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो या बातें शेयर कर सकते हो। इससे आपको अच्छा फील होगा और आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ। सुनना जीतू, मुझे बता देना कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। जीतू यहाँ ना, ये एग्जाम शीट है, सभी बच्चों को बांट दो। हे भगवान, मुझे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना, बाकी तो आते होंगे। नो डाउटिंग इन द क्लास। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो पैनिक मत करो, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बाकी पेपर छूट ना जाए। अरे यार, ये पेन क्यों चलना बंद हो गया, कल ही तो इस एग्जाम के लिए नया खरीदा था, अब क्या करूं? क्या हो गया सपना, क्या खुशबू आ रही हो? मैम मेरा पेन नहीं काम कर रहा। तुम एग्जाम देने आई हो, वो भी बिना पेन के? अगर आप भी मेरी तरह मजाक नहीं बनवाना चाहते तो अपनी स्टेशनरी एक दिन पहले ही रेडी कर लो, और हाँ सिर्फ एक पेन नहीं, दो तीन पेन एक्स्ट्रा जरूर रखो, और जो भी नीडेड चीजें हैं वो भी रख लो। ओके okay?
मिस अब चलो पेंस डाउन खड़े हो जाओ सब अपनी अपनी शीट्स टेबल पर छोड़ दो और लीव द क्लास शर्मा जी के लड़के का 98% आया था तेरा 99 से कम आया ना तो तेरी खैर नहीं अरे भाई हमारा क्या है हम तो 2 साल से फेल हो रहे हैं इस बार और फेल हो जाएंगे और क्या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मॉर्निंग क्लास सिट डाउन तुम सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है पर बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं Naturally smart, you know. Ooh. Anu, pass the sheet. Mama, मैंने top किया है. हाय मेरी बच्ची, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया. बता तुझे क्या चाहिए? अजी सुनते हो? आपके लड़के ने top किया है. सपने देखना बंद करो सपना. और पास द शीट कॉन्ग्रेचुलेशन जीतू तुमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं थैंक यू मैम सपना यू हैव स्कोर्ड 65 मार्क्स 65 दिन रात पढ़ाई करी थी शिव जी के मंदिर पर जाकर प्रसाद भी चढ़ाया था हफ्ते में 2 दिन व्रत भी रखा था भगवान 65 इतने कम नंबर लाने के लिए पैसे भुगते हैं बता इतनी मेहनत करते हैं तेरे पापा इतने ये 60% लाने के लिए सॉरी मम्मी मैंने तो अच्छे से पढ़ाई करी थी मम्मी कुछ निकल आता है आज ही तेरा नाम कटवाएंगे चल निकल यहाँ से निकल घर से निकल सपना एटलीस्ट तुम पास हो अनु तुम फेल हो तुम्हारे 31 मार्क्स आए हैं वाओ व्हाट अ सरप्राइज ओह नो मैं फेल नहीं हो सकती मैम मैं फेल कैसे हो सकती हूँ अनुपमा ना तो तुम कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाती हो ना कभी स्कूल आती हो और ना ही तुम्हें होमवर्क करना है उसके बावजूद तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए वो सब तो ठीक है बट मैं मालदीव्स कैसे जाऊंगी तुम्हारी मालदीव्स की टिकट तो मैं कराऊंगी अबे इसके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं ये क्यों बैठ के यहाँ पे रो रही है इसके जैसे में तो मेरे जैसे 3 पास हो जाए चल आजा पूछते हैं ओए तूने तो टॉप किया है फिर तू रो क्यों रही है मेरा तो सेकंड हाईएस्ट है तो फिर टॉप किसने किया है तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो वी होप कि आपको पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हो ऐसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम और लाएं तो कमेंट करके बताना और हाँ अगर आपको पसंद आई हमारी वीडियो जैसे कि इन लोगों ने बोला तो उसे ढेर सारी लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट